लेकिन रामलीला मैदान में कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में विशाल रैली का आयोजन 4 सितंबर को किया है। वहीं उक्त रैली में शामिल होने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने 2 सितंबर को विशेष ट्रेन से रवाना होंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर रेलवे स्टेशन से झंडे दिखाकर विशेष ट्रेन को रवाना करेंगे। प्रदेश महंगाई के मार से पीड़ित है। GST लगाया जा रहा है दाल चावल दूध पर, पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स वसूला जा रहा है, सिलेंडर के दाम कांग्रेस शासनकाल के तुलना में 4 गुना बढ़ चुका है, दवाइयों के दाम पर 30% की वृद्धि हो चुकी है, जूता चप्पल स्टेशन पर GST लिया जा रहा है। पूरा देश महंगाई से पीड़ित है। कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ देश की जनता की आवाज़ दिल्ली में उठा रही है। छत्तीसगढ़ से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ट्रेन से, वायुयान से, सड़क मार्ग से यहाँ के कार्यकर्ता और जनता महंगाई आंदोलन में शामिल हो जा रही है।